हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए जामना ऑटो इंडस्ट्रीज, नाम सुना होगा आपने जामना ऑटो के शेयर का। ये कंपनी, ये स्टॉक मार्केट लीडर है। जहाँ पे ये काम करता है, जिस चीज़ का ये काम करता है, उस पर ये मार्केट लीडर है। आपको यकीन नहीं होगा, ये शेयर आज की डेट में बहुत बढ़िया रेट पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम पर 30 रुपये के आसपास भी आपको मिल सकता है ये शेयर। अब आप सोच रहे होंगे, यार 30 रुपये के आसपास मिलेगा, मतलब इतने नीचे आ जाएगा ये शेयर? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि ऑटोमोबाइल की पूरी इंडस्ट्री डाउन है, तो वहाँ पे ये ऐसे ऐसे मार्केट लीडर शेयर आप कौड़ी के दाम पे खरीद सकते हो। चलिए देखते हैं इस स्टॉक के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में। ये देखिए आप, जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज की डेट में 40 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 3% के आसपास का जंप देखने को मिला, लेकिन ये स्टॉक की अगर आप डिटेल देखें, स्मॉल कैप का शेयर है, 1600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और कैपिटल एम्प्लॉयड पे बढ़िया 48% का रिटर्न है, इक्विटी पे 29% का रिटर्न है, और सेल्स ग्रोथ भी बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है अब तक। लेकिन इस स्टॉक में मुझे जो खास बात लगती है वो है, ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग 48% के आसपास है, और दूसरी ये मार्केट लीडर है। किस चीज़ में? जो ये पैराबोलिक स्प्रिंग्स बनाती है, टेपर लीफ स्प्रिंग्स बनाती है ना, उसकी ये मार्केट लीडर है। सबसे ज़्यादा काम इसी के पास है, सस्पेंशन सॉल्यूशंस का। अब इस स्टॉक की आप डिटेल देखिए, ये कहाँ से वापस आया, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के लेवल से गिरता गिरता नीचे आता आता ये 40 रुपये के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है कि इस शेयर में और गिरावट यहाँ पे आ सकती है। 34 रुपये से बाउंस बैक करता हुआ जरूर दिखा है, लेकिन इसकी जो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मुझे प्रायर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की अगर मैं वैल्यू देखूँ, तो मुझे 25 से 30 रुपये के आसपास, 30-32 रुपये के आसपास कहीं आता हुआ दिख रहा है। इस रेंज में ये आ सकता है शेयर आने वाले टाइम पे। अब आप सोचोगे क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो आप, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो आपने जिस तरीके से देखी थी कि भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी डाउन चल रही है, तो यहाँ पे इस कंपनी ने खुद बताया है कि भाई हम जो है अपने जो प्लांट्स है, जो हमारा वर्किंग शेड्यूल है, वो बिल्कुल ठप पड़ चुका है, क्योंकि भाई काम ही नहीं है। अब आप देखिए, इसके अगर क्लाइंट देखेंगे तो कौन इसके क्लाइंट है, ये देखिए आप कितने बड़े बड़े इसके क्लाइंट है, सस्पेंशन सॉल्यूशन जिनको ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन, जनरल मोटर कॉरपोरेशन और टाटा मोटर्स, ये इंडिया के लार्जेस्ट ऑटो मेकर्स हैं, ये इसके क्लाइंट हैं। अब इन्हीं की सेल कम हो रही है, तो इसको कहाँ से प्रॉफिट होगा, इसका कहाँ से काम मिलेगा, इसकी कहाँ से प्रोडक्शन यूनिट चलेंगी? तो इसीलिए इस स्टॉक में काफ़ी गिरावट आ सकती है आने वाले टाइम पे। ऑलरेडी इतनी गिरावट आ चुकी है, मुझे लगता है कि थोड़ा और गिरावट अभी पॉसिबल है, और अगर आप और नीचे गिरता तो ये 20 रुपये के आसपास भी ये शेयर आ सकता है। चलिए, ये देखा आपने जामना ऑटो इंडस्ट्री जो गिरता हुआ जा रहा है, और निचला सपोर्ट आपको बताया गया है, और अगर आप देखें, मैं कहूँगा कौड़ी के दाम पे जब ये मिलने लगेगा, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास भरने की, क्योंकि फिर से जब स्टार्ट होगा तो इसी ने काम करना है फिर से। ये देखिए बिल्कुल, अगर आप RSI देखें, बहुत वीक हो चुकी है, ज़बरदस्त तरीके से वीकनेस आ चुकी है RSI पे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।